हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक दवा के विषय में, जिसका नाम है नेट्रम फास। इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंसी में और किस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला सिम्टम है नेट्रम फास, जो है एसिडिटी माने अम्लपित्त के रूप में जानी जाती है। अम्लपित्त में ये ज़्यादा काम करती है, जैसे जो है आपका स्वाद खट्टा हो गया, थकार आ रही है वो भी खट्टा निकल रहा है, खाने का स्वाद भी जो है खट्टा हो जा रहा है और सावर वोमिटिंग हो रही है, ये सब एसिडिटी का लक्षण है। अगर ऐसा सिम्टम है तो आप जो है नेट्रम फास 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार देने से किसी भी तरह का अम्लपित्त रहेगा, आपको जल्दी आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है गले पर, थ्रोट पर। अगर जो है आपका गला जो है एनी पार्ट ऑफ थ्रोट, भाई यहाँ पर हुआ चाहे यहाँ पर हुआ है, गले में अगर सूजन है और उसके साथ में आपको लगता है कि गले में कोई लंप है, लंप सेंसेशन है, तो ऐसे केस में भी आप जो है नेट्रम फास 12 वैक्स 4 गोली दिन में 3-4 बार लगातार ले लीजिए, आपका गले का सूजन ठीक हो जाएगा और आपका जो लंप का सेंसेशन है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है अगर किसी को पेट में दर्द है और उसके साथ में पेट में वार्म है, जिसको बोलते हैं कीड़ा, अगर कीड़ा पेट में है और पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे आदमी को, ऐसे पेशेंट को, ऐसे बच्चों को नेट्रम फास 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3-4 बार करके दे दीजिए। अगर बच्चे का प्रॉब्लम है तो बच्चे को जो 2-2 गोली करके 2-2 घंटे पर दे दीजिए, बच्चे का कीड़ा निकल जाएगा, बच्चों को आराम हो जाएगा। अगला सिम्टम है क्रिकिंग ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट में जो है एक तरह का फ्लूड होता है, जब ये फ्लूड सूख जाता है तो हमारे जोड़ में आवाज़ आती है, कटकट की आवाज़ आती है। तो अगर आपको चलने से कटकट की आवाज़ आ रही है ज्वाइंट में या एल्बो ज्वाइंट में या कोई भी ज्वाइंट में, तो आप जो है नेट्रम फास्ट 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, आपका जो कटकट की आवाज़ जो ज्वाइंट में आ रही है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है यह जांडिस पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर जांडिस कन्फर्म हो गया है, बिलिरुबिन हाई हो गया है और यूरिन और आँख सब पीला हो गया है, तो ऐसे केस में आपको नेट्रम फास 1x पावर लेना है, 1 ग्रेन करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, आपका कैसा भी जांडिस रहेगा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है आई पर जो है, अगर आपके आँख में इन्फेक्शन हो गया है, आँख जो फूल गई है, आँख सूज गई है और जो उसमें से पीला डिस्चार्ज निकलता है और सुबह आँख फंस जाती है, तो ऐसे केस में आप नेट्रम फास 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3-4 बार करके दे लीजिए, आपकी आँख की सूजन ठीक हो जाएगी। हालांकि अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इसकी अच्छी दवाई है, लेकिन उसमें जो है पीला डिस्चार्ज नहीं निकलता है और इसमें जो है गोल्डन और येलो डिस्चार्ज निकलता है, तो ऐसे केस में आप जो है नेट्रम फास 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3 बार लगातार दे लीजिए, आपका इन्फेक्शन जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है ट्रंक पर, आपके जो ट्रंक का जो टिप्स है, टिप्स अगर छाले पड़ गए हैं, तो ऐसे केस में भी आपको नेट्रम फास्ट 12 वैक्स 4-4 गोली करके दिन में 3-4 बार जैसी आपकी प्रॉब्लम रहे ले लीजिए, आपके जो ट्रंक में जो छाले पड़ गए हैं टिप पर वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है टॉन्सिल पर, अगर जो है आपको लगे गले में कुछ अटका हुआ है, या आपके डॉक्टर जब टॉन्सिल चेक करते हैं तो टॉन्सिल पर जो है एक मोटी परत रहती है क्रीमी, तो आप जो है नेट्रम फास्ट 12 वैक्स 3 बार ले लीजिए। लेकिन याद रखिए, अगर टॉन्सिल पर ग्रेज पैच है, ये डिप्थीरिया का लक्षण हो सकता है, तो अगर ग्रेज पैच है तो आप अलर्ट हो जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर जो है क्रीमी है, अगर है क्रीम की तरह अगर है, तब कोई चिंता की बात नहीं है, तो आप नेट्रम फास्ट ले लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है बहुत ही यूनिक सिम्टम है ग्रीनिश डायरिया, माने आपको मोशन जो होता है वो हरा होता है ईपिका की तरह, तो अगर आपका मोशन हरा रंग का हो रहा है तो आप नेट्रम फास 12 वैक्स 4-4 गोली करके, चूंकि डायरिया केस है तो इसमें आपको 3 बार लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आप अपने पोजीशन के अनुसार ले सकते हैं, आप इसको आधे घंटे पर ले सकते हैं, 1 घंटे पर ले सकते हैं, जब तक नहीं ठीक हो जाए, जब ठीक हो जाए तो उसके बाद तब 3 बार कर दीजिए। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है आप जो खाना खाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है खाना जो है मुँह में आ जाता है, ऐसा सिम्टम बहुत ही रेयर केस में आता है, तो ऐसे सिम्टम में अगर खाना आपके मुंह में आ जा रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जो है ये सब एसिडिटी के कारण होता है, आप जो है नेट्रम फास्ट 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 3-4 बार लगातार ले लीजिए, आपके मुंह में जो खाना आ जा रहा है नॉर्मल हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है इसमें नाइट फाइल होता है विदाउट ड्रीम, आप सपना देख रहे हैं, असली सपना देख रहे हैं, आपका नाइट फाइल हो जा रहा है, दैट इज कॉमन चीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका नाइट फाइल हो गया विदाउट ड्रीम, आपको जो कमजोरी लगती है, पीठ में दर्द करता है, कमर में दर्द करता है और हाथ पाँव कांपने लगता है, तो ऐसे नाइट फाल के केस में आपको नेट्रम फास्ट 12 वैक्स 4-4 गोली दिन में 4 बार लगातार ले लीजिए, आपका इस तरह का नाइट फाइल जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है सेक्स पर ही है,
इसमें क्या होता है कि जो है सेक्स करने की डिजायर बहुत होती है विदाउट इरेक्शन, लेकिन आपका पेनिस जो है इरेक्शन नहीं है, एकदम लूज है, तो ऐसे केस में आप जो है नेट्रम फास टोलवेक्स चार चार गोली करके दिन में चार पांच बार भी आप ले सकते हैं, इससे आपका जो है इरेक्शन हो जाएगा अगर आपका इरेक्शन नहीं हो रहा है तो। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है, यह जो है गनूरिया में बहुत अच्छा काम करती है। गनूरिया का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कोई भी केस हो, एक गनूरिया की अच्छी दवाई है। आप नेट्रम फास टोलवेक्स चार चार गोली करके तीन बार देने से आपका गनूरिया जो है आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है रिमेटिक पर, अगर आपके ज्वाइंट में बात हो गया है, नी ज्वाइंट में बात हो गया है, रिस्ट ज्वाइंट में बात हो गया है, फिंगर ज्वाइंट में बात हो गया है, और रिमेटिक आर्थराइटिस भी है इसके साथ में, और काफ़ी दिनों से परेशान आप हैं और आपका आर फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है नेट्रम फास टोलवेक्स चार चार गोली दिन में चार बार लगातार दो तीन महीने तक ले लीजिए, आपका इस तरह का जहाँ जहाँ बात हो रहा है आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम सिम्टम यह है मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठते ही बीमार पड़ गए और उसके साथ में खट्टा वोमिटिंग आने लगा, तो ऐसे केस में आपको नेट्रम फास टोलवेक्स चार चार गोली दिन में तीन बार लगातार लेने से आपका मॉर्निंग सिकनेस जो है ये भी ठीक हो जाएगा और जो खट्टी उल्टी होती है वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको नेट्रम फास के बारे में कुछ सिम्टम बताया, अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।